8 जुलाई के लिए मैंने बोला था अगर हम 800 को ब्रेक करते हैं तो फिर बेयरिश हो जाएंगे, और वैसा ही देखिए आज बेयरिश हुए, यहाँ से काफ़ी तेज़ी से गिरावट हुआ और ये 15683 तक आया। अब जो अगले दिन का सिनेरियो है कि अगर हम 15800 के ऊपर तो निकलने से रहे, क्योंकि ये अब एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा 15800, और नीचे जो सपोर्ट का काम करेगा वो सबसे मुख्य सपोर्ट ये होगा अब 15633, ये मुख्य सपोर्ट के रूप में रहेगा और ऊपर रेसिस्टेंस के रूप में 15800 रहेगा। तो अगर हम इसी बीच में ट्रेड करते हैं 15,800 और 15,633 तो हम साइडवेज रहेंगे, और अगर इसको ब्रेक करते हैं 15,633 को तो फिर हम बियरिश हो जाएंगे, और अगर हम फिर से यहां पर ब्रेक करते हैं 15,800 को जो कि जिसकी संभावना भी काफ़ी कम दिख रही है तो फिर हम यहां पर बुलिश होंगे और यहां से ये 15,900 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो ज़्यादातर संभावना है कि 9 जुलाई को हम या तो यहां पर साइडवेज रहेंगे या तो नीचे की ओर ब्रेक करेंगे, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी अभी यही दिख रही है। अभी हम यहां पर बुलिश होने में टाइम लगेगा, पूरी तरह से बुलिश हम तब होंगे जब 15,900 के ऊपर हम ट्रेड करने लगते हैं, अदरवाइज यहीं पर मार्केट हो सकता है कि कंसोलिडेट करे या तो यहाँ पर और ज़्यादा गिरावट दिखाए। तो बेरिस्त हम यहाँ पर तब होंगे जब 15,633 को क्रॉस करेंगे और हमारा जो अगला 100 पॉइंट का मोमेंटम होगा वो काफ़ी फास्ट आ सकता है।